नागपुर शहर के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर आरती योगेश खंडेलवाल को हाल ही में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में समारोह में भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड बच्चों एवं महिलाओं के लिए किए गए सामाजिक कार्य और कोरोना समय में उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए सम्मानित किया गया। नमस्कार सभी को, और फिर से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी विद ऑल योर ब्लेसिंग। अगेन ये एक बिग अवार्ड हमारे सामने है और ये है सुपर वुमन अवार्ड नेशनल लेवल का, जो स्टार इंडिया ऑर्गेनाइज किया इन मैरिट होटल जयपुर। और यहाँ पर बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप काम करते रहो। ये सब अचीवमेंट कब मिल रहा है, जो हमने 2-2.5 साल कोविड पे काम किया उसका एक एक रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया नहीं कहूँगी, ऑल ओवर वर्ल्ड से लेडीज़ आई थी जिन्हें सम्मानित किया गया, और उसमें एज अ मोटिवेशनल कैटेगरी में मुझे चूज़ किया गया महाराष्ट्र से। तो बहुत ही ऑनरेबल मोमेंट था, और ये अवार्ड मिला है हम सबको आर्मी ऑफिसर्स जो हैं हमारे इंडिया के ग्रेड, उनके थ्रू। तो ये तो और बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज से एक अवार्ड लेना और जो एक रियल सुपर हीरोज़ हैं उनसे अवार्ड लेना बात ही कुछ और होती है। तो दोस्तों, ये ईयर एंडिंग चल रहा है 2022, लेकिन अब तो कहूँगी जो हो गया हो गया, कल क्या नया। और हमें हर दिन अपना नेक्स्ट बेस्ट वर्जन बनना है, 2023 को मैजिकल बनाना है। तो इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को, और मेरे सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोविड में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े। और एक और सरप्राइज देना चाहूँगी कि आगे 2023 में धमाका होने वाला है। सो बी कनेक्टेड विद कोच आरती खंडेलवाल। थैंक यू वंस अगेन।